देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स कर्व्स y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x plus b sin x वेयर a एंड b आर एरिथमेटिक कांस्टेंट। आप मुझे जरा ये बताइए, ये होमवर्क है आपका ना, कोई बात नहीं, नहीं आया उसमें कोई डन। फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू e की पावर x, आपको नाम देखो दिस इज अ a cos x पर प्लस देखो b sin x। आपको इसमें क्या चीज नहीं आई, आप मुझे ये बताएं कि इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो कायदे से आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होने के बाद आप उसको प्लस माइनस या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, वो तो सिचुएशन देख करके आपका होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होगी वो मेरे हिसाब से जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको क्या आ रही है बताइए। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, एक तो ए है और एक आपका बी है, आपके प्रियोरिटी लास्ट तक आपको जो इसको फिनिश करना है हमने, अब वो कैसे फिनिश होती है वो तो अभी आप देखेंगे। इसका मतलब ये जो दो आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मतलब ये दो बार आपका इट विल डिफरेंशिएट टू टाइम्स आपका नाम देखा दस हजार, क्लियर हो गया। सबसे पहले तो ये समझो हियर वी हैव टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन विल डन टू टाइम्स, दो बार आपका नाम होनी चाहिए या होगी आपका नाम, सबसे पहली बात है आपका नाम, ठीक है। तो नाउ अब आपका नाम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका नंबर एक्स पी। अब इसको ऑफ इक्वेशन नंबर वन इसका आपका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको क्या लगा इसमें कहाँ पे दिक्कत आपको हो रही थी मुझे ये बताइए। सर डिफरेंशिएशन के बाद इसमें क्यों दिक्कत का तो ये x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। देखो इसमें अगर आप देखेंगे, देखो सिंपल सी बात, पहले दो चीजें समझो, इसमें टू फंक्शंस है आपका, देखो इसमें टू फंक्शंस है, टू फंक्शंस में एक फंक्शन आपका देखो e की पावर x है और दूसरा फंक्शन आपका देखो आप जो देख रहे हैं a cos x और देखो प्लस b sin x है, देखो और दोनों फंक्शंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय मल्टीप्लीकेशन साइन, e की पावर x इनटू है इनटू, इसका मतलब यहां पर आप क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, आपका देखो प्रोडक्ट रूल आपने यूज किया आपका देखो। तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, इफ वी हैव टू फंक्शंस u v dx आपका देखो, तो फर्स्ट फंक्शन देखो d by dx अब आपका देखो सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन into d by dx अब आपका देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका ये प्रोडक्ट रूल है आपका, नॉट दिस इज क्लियर हो गया। तो नाउ अब डिफरेंशिएट d by dx ऑफ y जिसको हम डायरेक्टली dy by dx कह देते हैं, नाउ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि देखो a cos x plus b sin x हो गया, ये इसका भी उसका भी होगा बात को आपको अलग अलग होगा, देखो ना प्लस सेकंड फंक्शन a cos x plus देखो b sin x आपका और इनटू dy dx आपका देखो फर्स्ट फंक्शन। नाउ dy by dx इक्वल टू e की पावर x, ये इसका भी होगा, तो देखो a cos x का करेंगे आप, a कांस्टेंट है तो cos x का आपका क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस b, ये भी कांस्टेंट है और sin x का आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस, इट विल बी केप्ट एज इट इज, ये आपका देखो बिल्कुल एज इट इज रहेगा और dy dx ऑफ e की पावर x आपका देखो e की पावर x है। तो ना एक लाइन आप बढ़ा दीजिएगा लेकिन आपका e की पावर x a माइनस a sin x आपका देखो प्लस देखो b cos x आपका देखो ना और प्लस e की पावर x आपका देखो ना a cos x और प्लस b sin x, क्लियर है सर कोई दिक्कत है बताइए। आप y क्या है देखो y क्या है
वाई क्या है, व्हाट इज वाई? वाई अरे ए कॉस एक्स बी साइन एक्स है, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स है, इसका वाई, दिस इज द सेकंड इक्वेशन तो ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आपका ना दिस ई की पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स आपका देखो प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो कुछ नहीं है, e की पावर x देखो माइनस a साइन x अपन अपन प्लस b कॉस x अपन प्लस ए वाई बनेगा, क्लियर? इसको आप यहां भी ले जा सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस सॉरी e की पावर माइनस साइन x और प्लस b कॉस x, हो गया सर। अब आप क्या करेंगे, यही इसको ब्लॉक में मैंने इसीलिए आपका बना दिया है, तो देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देखो तो ना दिस तो डी वाई डी एक्स ऑफ ये देखो दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स इसका भी होगा डिफरेंशिएशन और माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ ए वाई अब फिर वही डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स और प्लस आपका नाम फिर आपका नाम ये ऐसे ही रहेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ ये तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर y over dx square minus dy by dx equal to e की पावर x into minus sin x का क्या होता है cos x, क्लियर होता तो आपका तो minus a cos x plus b और cos x क्या क्या होता है minus sin x, क्लियर हो गया ना, तो ये आपका अभी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो देखो आपका a sin x और आपका तो ये यहां माइनस बी कॉस एक्स हो सकता है, ठीक है, और ये ई की पावर एक्स आपका ये होगा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, देखिए 50 क्वेश्चन किताब से उतार के करने की कोई जरूरत नहीं है सर, ये तो माइनस आप बाहर कॉमन ले लीजिए क्योंकि प्लस माइनस का माइनस और ये माइनस हो गया, अंदर आपके पास देखो ए कॉस एक्स और प्लस आपका बी साइन एक्स माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो देखो माइनस ए साइन एक्स और माइनस बी कॉस एक्स और ई की पावर एक्स, क्लियर है? अब ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स है, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये माइनस माइनस बार आ गया एंड द वैल्यू ऑफ दिस ई की पावर एक्स ए कॉस दिस इज द वाई, इसी को देखो अगर इसको देखो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं देखो देखिए अगर इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं आपका देखो ना क्या था यहाँ प्लस था देखो अगर इसको ऐसे ही रख देते फिर प्लस देखो आपका प्लस ये माइनस हो गया प्लस माइनस का माइनस हो गया बड़ी आपका देखो प्लस तो देखो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई की पावर एक्स देख रहे हैं देख रहे हैं पूरी वैल्यू क्या है उसकी डी वाई बाई डी एक्स माइनस दैट्स वेरी फाइन आपका देखो ये आपका ये हुआ ये प्लस है और इसकी वैल्यू आपकी क्या आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर छह आप समझ रहे ये प्लस देखो ये प्लस है माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स ई की पावर एक्स की जगह में ये अपने रखें कोई शक क्लियर देखिए आप डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर देखो ठीक है माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस टू वाई ठीक है ना उधर तो ये माइनस टू वाई हो गया और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स आपका देखो और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स
आपका ओ टी में आ गया, प्लस इधर जाएगा माइनस, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स एंड वन डी वाई बाई डी एक्स वेन दे विल बी एडेड टू ईच अदर, तो माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस टू आपका इक्वल टू, ठीक है, इसको भी इधर लिया है, इसके लिए क्या बिगाड़ा बेचारे ने हमारा, जो आपका देखो प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई, नहीं हो गई, आपको कहां से दिक्कत आ रही थी, वेयर फ्रॉम यू आर गेटिंग आपका द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने वहां वाई वगैरह नहीं रखने की कोशिश की होगी, दैट्स व्हाई, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका जो आंसर आना चाहिए ना, देखो इक्वेशन भले आपको बहुत इजी लग रही हो, वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप क्या करना, ए में इसकी वैल्यू को लेके आना डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ए की जो वैल्यू आपकी आ रही हो कितनी आ रही, ए की वैल्यू जो आनी चाहिए वो वाई डी वाई बाई डी एक्स अपन प्लस एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, आ रही है, इस वैल्यू को आप यहाँ रख दो, उसके बाद यहाँ रख दी, मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट, नहीं नहीं यहाँ रख दी, डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दो होते तो तब हाँ तब दोबारा करते हैं, लास्ट में आपका जब आप ये कर लेंगे इसको वैल्यू रख देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी, लेकिन देखो यहाँ पे जब ए की वैल्यू आप ये रखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर इसका भी हो जाएगा बाय डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, और देखो माइनस टू वाई यहाँ रहेगा, इन प्लेस ऑफ ए आप पूरी वैल्यू रख देंगे, तो फिर यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल के फिर आपको ऊपर नीचे करेंगे तो जो फाइनल आंसर आपको आना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर आपका देखो ना प्लस टू वाई इंटू टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आना चाहिए आपका, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा मैं हूँ चिंता मत करिएगा, हैव ए नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू।